Very good evening to all of you and very warm welcome at Target Study Points. So far we have discussed Newton's first law and we are about to discuss Newton's second law. हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि फोर्स बेसिकली होता क्या है, व्हाट फोर्स इज, हमने ये पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ में. न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो था उसने ये बताया था, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने ये बताया था कि फोर्स है क्या, फोर्स बेसिकली है क्या, व्हाट फोर्स इज. और हमने उससे ये भी पढ़ा था कि फोर्स के कारण ही बॉडी में क्या आता है, एक्सीलरेशन आता है. फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सीलरेशन, फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सीलरेशन. और फोर्स के कारण ही बॉडी में क्या आता है, एक्सीलरेशन आता है. ये हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कवर अप कर लिया था. अब हमें पढ़ना है न्यूटन के सेकंड लॉ. तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है, बेसिकली न्यूटन का सेकंड लॉ अमाउंट ऑफ द फोर्स बताता है, क्वांटिटी ऑफ फोर्स बताता है कि एग्जैक्टली व्हाट अमाउंट ऑफ द फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ए बॉडी टू मूव विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन. अगर एक बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट करना है तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड. अब डिफरेंट बॉडी के लिए 10 मीटर पर सेकेंड से, एक छोटी बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड से चलाना है उसमें कम फोर्स चाहिए होगा, और एक बहुत बड़ी बॉडी को अगर 10 मीटर पर सेकेंड से चलाना है तो ज्यादा फोर्स चाहिए होगा. आप समझ लीजिए ना, आप एक कार को अगर आपको धक्का देना है, थोड़ा सा चलाना है, तो आपको कम फोर्स चाहिए होगा. एज कंपेयर टू ट्रक को अगर आपको धक्का देना है, थोड़ा सा ही चलाना है, तो ट्रक के केस में आपको ज्यादा फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू द फोर्स इन द केस ऑफ कार. अगर एक साइकिल को अगर आपको धक्का देना है और उसको चलाना है तो साइकिल के केस में आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन टू प्रोड्यूस इन साइकिल. एंड सिमिलरली अगर आपको कार को उतने ही अमाउंट से एक्सीलरेट करना है तो ज्यादा ग्रेटर फोर्स इज टू बी रिक्वायर्ड, ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द कार एज कंपेयर टू साइकिल. तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फोर्स, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर चाहिए एक बॉडी को इतने अमाउंट से एक्सीलरेट करने के लिए, वो आपको न्यूटन का सेकंड लॉ बताएगा. सो न्यूटन का सेकंड लॉ बेसिकली आपको क्या बताएगा, न्यूटन का सेकंड लॉ आपको क्या बताएगा, एग्जैक्ट अमाउंट बताएगा आपको, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स आपको चाहिए. एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड कि अगर इस बॉडी को इतने से एक्सीलरेट करें. तो क्वांटिटी ऑफ फोर्स के बारे में हम बात करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ में. अब हम न्यूटन का सेकंड लॉ अगर हम बात करें कि ये कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको, और ये बेसिकली है क्या, किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ये बेसिकली एक रिलेशन है मास और एक्सीलरेशन के बीच में. तो अगर आप थोड़ा सा एक एग्जांपल अगर आप यहां पे समझें तो आप काफी कुछ समझ पाएंगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ एग्जैक्टली व्हाट इट इज. अगर आपने एग्जांपल ले लिया है, यहां पर एक बड़ी बॉल है, मान लीजिए आप फुटबॉल है, और यहां पर एक टेनिस बॉल है, यहां पे क्या है, टेनिस बॉल है और यहां पर फुटबॉल है, यहां पर क्या है, फुटबॉल है. मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इसका वेट क्या है, इसका मास क्या है, 4 kg की है ये फुटबॉल मान लीजिए आप, और इसका 1 kg है टेनिस बॉल की मास. तो अब मेरे को इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करना है, एक्सीलरेट करना है. इस फुटबॉल को मेरे को यहां तक पहुंचाना है, कहां तक पहुंचाना है, यहां तक पहुंचाना है, और इस टेनिस बॉल को भी मेरे को यहां तक पहुंचाना है, उतनी ही दूरी तक पहुंचाना है. तो बताइए इसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि इसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. अगर मेरे को यहां पर F1 लगाया और यहां पर F2 लगाया तो किस केस में मैंने फोर्स ज्यादा लगाया होगा. अगर मेरे को यहीं तक पहुंचाना है, इसको यहां तक पहुंचाना, तो किस केस में मैंने फोर्स ज्यादा लगाया होगा. इस केस में ज्यादा फोर्स लगाया होगा मैंने, इस केस में कम फोर्स लगाया होगा. सो F1 इज ग्रेटर देन F2. अगर मेरे को दोनों को यहां तक पहुंचना है, आप सोच लीजिए ना, छोटा सा पत्थर ले लीजिए, आप फेंक दीजिए उसको, थोड़े दूर तक पहुंचाना है छोटे से पत्थर को तो थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा. एक बड़ा पत्थर दे दिया आपको,
4 किलो का, उसको वहीं तक पहुंचा रहा है जहां तक चौथा पकड़ गया है, तो अब आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा भाई, सोचिए समझिए। एक छोटी सी चीज है और आपको फेंकना है, जैसे यहां से 5 मीटर तक फेंकना है तो आराम से ऐसे फेंक दोगे। अब 5 किलो का पत्थर दे दिया है तो आराम से फेंक दोगे क्या? अब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी मास बदलने से फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी अगर फोर्स, जब मास ज्यादा था तो फोर्स भी ज्यादा था, जब मास कम था तो फोर्स भी कम था। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यहां पर मास कम ज्यादा था तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, और यहां पर मास कम था तो कम फोर्स लगाना पड़ा। सिंपल सी बात है। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन, इस बॉडी में उतनी एक्सीलरेशन आ जाए, इस बॉडी में भी उतनी एक्सीलरेशन आ जाए, तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स हैज टू बी अप्लाइड ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसमें ज्यादा मास है उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर एक्सीलरेशन सेम लाना है, दोनों ऑब्जेक्ट में सेम अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन लाना है तो जिसमें मास ज्यादा है उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जिसमें मास कम है उसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब ये तो हो गया फोर्स की रिलेशन किससे, मास से। इक्वेशन इसको आप 1 समझ लीजिए, है ना, इक्वेशन आप इसको 1 समझ लीजिए। अब मैं कहता हूं कि अगर केस 2 ले लीजिए, ये तो एक केस था, केस 1 था, ये केस 1 था भाई, ये केस 1 था जहां पर एक इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन इसको देना था और इसको भी देना था, तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया हमने। अब हम केस 2 ले लेते हैं, केस 2 ले लेते हैं, और यहां पर भी बड़ी वाली फुटबॉल है, यहां पर भी बड़ी वाली फुटबॉल है, इसका भी मास 4 केजी है और इसका भी मास कितना है, 4 केजी है, है ना, इसका भी मास 4 केजी है, इसका भी मास 4 केजी है। इसमें मैंने कम फोर्स लगाया, है ना, इसमें मैंने कम फोर्स लगाया, इसमें मैंने पूरी ताकत लगा दी, तो ये ज्यादा एक्सीलरेट करेगी कि नहीं करेगी भाई? एक 2-2 किलो के मैंने पत्थर ले लिए, एक थोड़ा सा फेंका और एक पूरी ताकत से फेंका, तो एक्सीलरेशन किस में ज्यादा आएगा, जिसमें ज्यादा फोर्स लगाया। एक्सीलरेशन कम किस में आएगा, जिसमें कम फोर्स लगाया। अगर मैंने इसको ज्यादा फोर्स लगाया, अगर F1 ग्रेटर है F2 से, ये वाला ये दे रखा है F1 इज ग्रेटर देन F2, तो ये वाला पत्थर ज्यादा दूर तक जाएगा, यानी इसको एक्सीलरेट ज्यादा किया गया है, यानी इसमें एक्सीलरेशन ज्यादा आया है, तो फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। भाई जिसमें ज्यादा फोर्स होगा वो ज्यादा एक्सीलरेट करेगी बॉडी। एक छोटा सा पत्थर है, एक छोटा सा पत्थर, उसको मैंने धीरे से फेंक दिया, और उसी पत्थर को मैंने एक बार तेज से फेंक दिया, जब तेजी से फेंका तो उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन आ गया, जब धीरे से फेंका उसमें तब उसमें कम एक्सीलरेशन आ गया, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, एक्सीलरेशन की। जब आप फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो एक्सीलरेशन भी ज्यादा होगा, जब आप फोर्स कम लगाएंगे तो एक्सीलरेशन भी कम होगा। आई बात समझ में? सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। इक्वेशन 2, क्लबिंग बोथ दिस इक्वेशन 1 और 2, अगर मैं दोनों को क्लब करूं, दोनों को मैं क्या करूं, क्लब करते हैं, दोनों को हम क्लब करते हैं, सो वी विल गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम 1 और 2 वी विल गेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वी हैव टू अप्लाई एनी कांस्टेंट, सो मैं इसको रिमूव करता हूं और मैंने के अप्लाई कर दिया है, सो मास इनटू एक्सेलरेशन, सो फोर्स इज इक्वल टू के इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट है, और एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी है, क्या है, मास ऑफ द बॉडी है, और ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो ये है सेकंड न्यूटन का सेकंड लॉ बेसिकली। अब इसको आप डिफाइन कर दीजिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। न्यूटन सेकंड लॉ है क्या, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सिंपल लैंग्वेज में है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसी बॉडी का मास, उसी बॉडी का एक्सेलरेशन, तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ नेट मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स मिल जाएगा। तो इसको डिफाइन कर देते हैं,
बहुत आसान है। सो न्यूटन का सेकंड लॉ आपको और भी तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, मोमेंटम जब हम पढ़ लेंगे तो मोमेंटम के हिसाब से हम भी इसको डिफाइन करेंगे। एफ नेट इज इक्वल टू के इनटू एम। अब फोर्स को हम न्यूटन, इसकी यूनिट क्या होती है, वन, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। वन न्यूटन को हम किस तरीके से डिफाइन करें, वन न्यूटन इज द फोर्स विच ब्रिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 meter per second टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg। सो वन न्यूटन इज ए फोर्स विच ब्रिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 meter per second टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg, टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहां पर के जी। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द के की आपको वैल्यू आ जाएगी 1। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ के वी विल गेट एफ नेट इज इक्वल टू एम, वी विल गेट एफ नेट इज इक्वल टू एम। सो दिस इज सेकेंड, न्यूटन का सेकेंड लॉ है जो कि आपको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फोर्स बता देगा कि कितना फोर्स चाहिए अगर इस बॉडी को इतने से एक्सेलरेट करना है। अगर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको पता है 5 kg का है, उसको 10 meter per second से, उसको 10 meter per second square से चलाना है, 10 meter per second square से चलाना है, मास उसका है 5 kg का ऑब्जेक्ट है और 10 meter per second square से चलाना है, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिए तो फोर्स आपको आ जाएगा। फोर्स कितना जाएगा एफ नेट विल कम आउट टू बी, एफ नेट विल बी इक्वल टू 15 न्यूटन आ जाएगा यहां से। सो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फोर्स आप यहां से निकाल सकते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूं, फोर्स फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, न्यूटन के सेकंड इक्वेशन, न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन स्टेटमेंट लिख लीजिए आप, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज प्रोपोर्शनल टू the product of mass of the body and its acceleration and the direction of force is same as that of the acceleration, and the direction of force is same as that of the acceleration, and the direction of force is same as that of the as that of acceleration. तो ये है न्यूटन का सेकंड लॉ, आप मैंने अभी डिराइव किया था एफ इज इक्वल टू एम ए। सो दूसरे तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, और ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन की भी एक डायरेक्शन होती है, फोर्स की भी एक डायरेक्शन होती है, फोर्स की वही डायरेक्शन होगी जो एक्सेलरेशन की होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, उसी डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। फोर्स को हम न्यूटन, ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इसकी क्या है, न्यूटन है। सो ये हमारी हो गई न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। तो ये आपको ये बताएगा कि भाई कितना अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर चाहिए आपको, अगर एक पत्थर को आप धीरे से फेंकें तो उसमें कम एक्सेलरेशन आएगा, एक पत्थर को छोटा सा पत्थर था उसको आपको यहीं तक फेंकना था, कहां तक फेंकना था, यहां, तो इसको आपने थोड़ा ताकत लगाया तो यहां तक पहुंच जाएगा, कम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन, कम फोर्स लगाया आपने, फोर्स कम लगाया तो एक्सेलरेशन भी क्या हुआ, कम हुआ।
अब इसी पत्थर में अगर आप फोर्स क्या लगा दें, ज्यादा लगा दें, तो एक्सेलरेशन भी इस बॉडी में क्या होगा, ज्यादा होगा कि नहीं होगा, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। आई बात समझ में नहीं आई, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको बिना पहले फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं है तो पहले से आपको फील होना चाहिए। अगर एक बॉडी को धीरे से धक्का दिया तो उसमें कम एक्सेलरेशन आएगा, अगर ज्यादा से धक्का दिया तो उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक्सेलरेशन के, नहीं हो गया। अगर एक बॉडी छोटी है उसमें उतना ही फोर्स लगा दिए, एक बॉडी बहुत बड़ी है उसमें उतना ही फोर्स लगा दिए, तो एक्सेलरेशन किसमें ज्यादा आएगा? जो छोटी बॉडी है उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा, जो बड़ी बॉडी है उसमें कम एक्सेलरेशन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर एक बॉडी को मेरे को एक्सेलरेट करना है, एक बॉडी को यहां से लेके वहां तक पहुंचाना है, 100 मीटर दूर तक फेंकना है एक बॉडी को मेरे को, है ना, 100 मीटर दूर तक फेंकना है मेरे को एक बॉडी को, तो मैंने एक छोटी बॉडी ली उसको फेंक दिया मैंने, और एक बड़ी बॉडी ली तो अब मेरे को बड़ी बॉडी के समय ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? तभी तो वहां तक पहुंचेगी। यानी बड़े केस में आपको जब बॉडी बड़ी होगी तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब बॉडी छोटी होगी तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एंड 1 न्यूटन इज द फोर्स व्हिच ब्रिंग्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू ए बॉडी ऑफ 1 केजी। सो 1 न्यूटन बेसिकली है क्या? 1 न्यूटन है क्या बेसिकली? इट इज द फोर्स। 1 न्यूटन इज द फोर्स। 1 न्यूटन इज द फोर्स, इज द फोर्स, is the force which bring an acceleration of 1 meter per second square to a body of 1 kg। तो 1 newton की यहां से आपको definite, 1 newton को भी आपने यहां से define कर दिया है, और force is equal to m, यहां से आप second law of मोशन, न्यूटन की जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको ये एफ इज इक्वल टू एम ए याद रखना पड़ेगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। एम के एस यूनिट भी आप डाल सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास का क्या होगा? केजी। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसकी एम के एस यूनिट है। ये इसकी कौन सी यूनिट है? एम के एस, ये एसआई यूनिट है। न्यूटन क्या है? इसकी एसआई यूनिट है। सो आगे बढ़ते हैं, अगली चीज हम पढ़ेंगे। तो यहां से आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आना चाहिए फोर्स एक्सेलरेशन के किस तरीके से प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फोर्स मास पर किस तरीके से निर्भर करता है, ये आपको अंदर से आना चाहिए कि भाई मैंने अभी बताया छोटे पत्थर को फेंकना है और बड़े पत्थर को फेंकना है, और सेम दूरी तक फेंकना है। तो आपको जो छोटा पत्थर है उसमें ज्यादा फोर्स आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। जो बड़ा पत्थर है उसमें आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर सेम दूरी तक फेंकना है। सिंपल सी बात है, छोटी बॉडी को कम फोर्स लगाना पड़ेगा, बड़ी बॉडी को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, एंड ऑल्सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एंड वी हैव डिफाइंड 1 न्यूटन इज द फोर्स व्हिच ब्रिंग्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू अ बॉडी ऑफ 1 kg। अब आते हैं मोमेंटम के बारे में, बात करते हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। जब तक आपको सिर्फ मोमेंटम बोला गया तो आप समझ लेना कोई लीनियर मोमेंटम के बारे में ही बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? लीनियर मोमेंटम के बारे में ही बात कर रहा है। हम लीनियर मोमेंटम से हम न्यूटन का सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए भी डिराइव करेंगे अभी। तो लीनियर मोमेंटम बेसिकली है क्या? सिंपल अगर हम बोले तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का ही होगा भाई मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ, इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। मास ऑफ द बॉडी and its velocity, और उसकी वेलोसिटी।
अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी वो अगर रेस्ट में है, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? अगर मैं मोमेंटम को p से डिनोट करूं, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? p से डिनोट करते हैं, तो मोमेंटम होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मास इनटू वेलोसिटी, या मैं कह सकता हूं m इनटू v, मास इनटू वेलोसिटी, यही तो कहा है, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोमेंटम क्या है उसका? जीरो, क्योंकि मास का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो में तो हमारे पास आएगा क्या? जीरो आएगा, जीरो का नहीं है, यानी बॉडी का मोमेंटम क्या है? जीरो। जब वेलोसिटी ही नहीं है बॉडी में तो काय का मोमेंटम? जब वेलोसिटी ही नहीं है बॉडी में तो काय का मोमेंटम? अब वेलोसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस वजह से मोमेंटम भी क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब जब तक आपको मोमेंटम एंगुलर, एक और मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम होता है, एक लीनियर मोमेंटम होता है, जब तक आपको सिंपल मोमेंटम के बारे में बात कर रहा है तो वो लीनियर मोमेंटम है। अगर वो ऐसे ही बोल रहा है कि मोमेंटम, तो अंडरस्टूड है कि वो लीनियर मोमेंटम के बारे में ही बात कर रहा है। आपको समझ जाना है, अगर मोमेंटम सिंपल बोल रहा है वो, तो आपको समझ जाना है वो किसके बारे में बात कर रहा है? लीनियर मोमेंटम के बारे में बात कर रहा है। अब यहां से आप समझ सकते हैं कि भाई मोमेंटम की एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम है क्या? बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये है क्या? प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम, वही डायरेक्शन उसकी मोमेंटम की भी होगी। जिस प्रकार से एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करें उसी डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट करेगी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम है, सिंपल। सो दिस इज द मोमेंटम, दिस इज द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। तो ये तो अगर रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम जीरो है। अब एक केस ले लेते हैं, एक और केस, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब मैं केस लेता हूं, ये वैसे ही केस है भाई जो कोर्ट कचहरी में केस आते हैं। या एक केस ऐसा होता है कि आपके घर में एक गाड़ी है और एक समय एक गाड़ी नहीं है, तो जब गाड़ी होती है और चार लोगों को जाना है तो आप फोर व्हीलर से चले जाएंगे, जब फोर व्हीलर नहीं है तो आप दो बाइक उठा के चले जाएंगे, दो दो लोग चले जाएंगे। तो वही केस है, बस एक समय आपके पास फोर व्हीलर नहीं है तो आप दो मोटरसाइकिल उठा के चार लोगों को जाना है तो दो मोटरसाइकिल उठा के चले जाएंगे, दो दो लोग बैठ के चले जाएंगे। उतना ही है केस, वही केस है, कोई बड़ी बड़ी केस नहीं है, सिंपल वही केस है। तो एक केस ले लेते हैं कि एक बॉडी का मोमेंटम, शुरुआत में एक बॉडी थी, बॉडी का मास था m, उसकी वेलोसिटी थी क्या u, इनिशियल वेलोसिटी, कुछ भी चल रही होगी, कुछ भी चल रही होगी। घड़ी में देखा हमने कि टाइम 12 बजे उसका, 12 बजे उसका टाइम, इतने समय उसकी वेलोसिटी इतनी थी ट्रेन की, जैसे ये ट्रेन है उसकी वेलोसिटी इतनी थी, समय देख लिया उसी समय। कुछ समय बाद हमने T2 समय बाद हमने देखा उसकी फाइनल वेलोसिटी ये हो गई और वही बॉडी की कुछ समय बाद देखा हमने, तो इस समय उसका मोमेंटम क्या है? इस समय मोमेंटम अगर आप लिखेंगे तो मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P, अगर ये P1 से मैं इसको डिनोट करूं तो मोमेंटम इस समय क्या है? T1 टाइम पर मोमेंटम इज इक्वल टू m इनटू u, इसका मोमेंटम T2 टाइम पर क्या है? P2 इज इक्वल टू m इनटू v। तो T1 टाइम पर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी इज दिस एंड T2 टाइम पर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी इज दिस। भाई ये बॉडी है, इसमें कोई फोर्स लग रहा होगा तभी तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई, अभी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v होगी, यानी इसमें बॉडी में कोई फोर्स लगा होगा तभी तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। भाई बॉडी की वेलोसिटी क्यों चेंज होगी? जब तक फोर्स नहीं लगे जब तक चेंज नहीं होगी। भाई एक ट्रेन चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, कुछ समय बाद हमने देखा कि वो 40 मीटर पर सेकंड से चल रही, तो वही ट्रेन है, वही ट्रेन आगे चली गई 40 मीटर पर सेकंड से चलने लगी। एक समय था 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, एक समय था कि वो 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। लेट आई चेक, तो अब वो 40 मीटर पर सेकंड से चलने लगी। तो अब आप अगर मेरे से पूछा जाए चेंज इन मोमेंटम, मेरे से पूछा जाए कितना चेंज हुआ, चेंज इन मोमेंटम, अगर मेरे को चेंज इन मोमेंटम पूछे तो कितना चेंज हुआ? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। भाई चेंज क्या है? बाद में कितना है? माइनस इनिशियल, तो चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1, तो
तो P2 है कितना mv और P1 कितना है mu, तो यहां से m को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा v माइनस u, ये आपके पास आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। अब चेंज इन मोमेंटम जो ये P2 माइनस P1 इसको हम डेल P से भी डिनोट करते हैं, यानी डेल P इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, आप याद रखेंगे चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, ये आपका आ गया आपका चेंज इन मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मैंने बताया, लीनियर मोमेंटम इज व्हाट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इटसेल्फ। भाई एक बॉडी है सिंपल रखी हुई है तो उसका मोमेंटम क्या है, जीरो है, उसी बॉडी को फेंक दो उसमें मोमेंटम आ जाएगा, मास तो है ही उसका, वेलोसिटी आ गई तो मोमेंटम आ गया। अब साइंटिस्ट ने भाई मास भी था वेलोसिटी भी थी इसको पहले ही डिफाइन कर चुके, तो इसको एक अलग टर्म दे दिया उसको मोमेंटम, प्रोडक्ट को दोनों को मोमेंटम इज इक्वल टू पी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का सिंबल है, ये भी वेक्टर है, ये स्केलर क्वांटिटी, इस वजह से यहां पे सिंबल नहीं है, सिंपल। तो मोमेंटम लोगों को दिमाग में ऐसा क्यों आया कि भाई इनको साथ में रख के एक नया टर्म दे दिया मोमेंटम, अगर आप सोचे मास और वेलोसिटी अगर साथ में मल्टीप्लाई हो तो आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस मिलेगा। सपोज दैट एक बॉल वहां रखी हुई, उसका मोमेंटम जीरो, एक छोटा सा कीड़ा आए और आपको यहां पे ऐसे हिट कर जाए, छोटा सा पत्थर, आपने एक मटर का दाना ले लो, आप उसको किसी एक दोस्त को मार दो, छोटा सा मटर का दाना लेना आप एक दोस्त को मार दो, पूरी ताकत से मार दो, कहाँ मारना है, पीछे मारना है, आंख में नहीं मारना है, पीछे मारना है, या तो ना मारो, एग्जाम्पल ले रहा हूं, मार दो तो क्या उसको बहुत ज्यादा मर ही जाएगा, बिल्कुल नहीं मरेगा, नहीं मरेगा ना, नहीं मरेगा। और अब क्या करो आप, एक 5 किलो का ईंट, क्या करना है, 5 किलो का ईंट फेंक के नहीं मारना है, थोड़ा सा मार दो, ऐसे करके मार दो 5 किलो का ईंट, तब उसको ज्यादा लग जाएगा। यानी अगर मास ज्यादा है और वेलोसिटी कम भी है तब भी उसको इंपैक्ट ज्यादा होगा, अगर मास कम है और वेलोसिटी, मास बहुत कम है और वेलोसिटी आपने पूरी ताकत से मारा था उस मटर के दाने को, वेलोसिटी काफी ज्यादा है तब भी उसको ज्यादा लगेगा नहीं, जब तक कि इतनी ज्यादा वेलोसिटी ना हो कि जो बुलेट की वेलोसिटी होती है 200, इतना ज्यादा वेलोसिटी ना हो तो उसको नहीं लगेगा, और मास भी ज्यादा है वेलोसिटी भी ज्यादा है तो इंपैक्ट बहुत तगड़ा होगा। जैसे ट्रक है आपका साइकिल से एक्सीडेंट हो गया, साइकिल आ रही थी 5 मीटर पर सेकंड से, साइकिल कितने से आ रही थी 5 मीटर पर सेकंड, उसने आपको टकरा दिया, भाई बहुत स्लो आ रही थी वो तो 5 मीटर पर सेकंड से चली आ रही थी, तो बहुत स्लो ही मानेंगे इसको, बहुत स्लो ही मानेंगे, वो आपको आपसे टकरा गया आप मर जाओगे क्या, हड्डी वड्डी सब टूट जाएंगी आपकी, ऐसा हो जाएगा नहीं। अगर ट्रक आ रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड, ट्रक में तो 5 मीटर पर सेकंड क्या, 2 मीटर पर सेकंड में भी आपकी ऐसी कम तैसी हो जाएगी। तो यानी मास और वेलोसिटी दोनों अगर एक साथ देखें तो ये बड़ी क्वांटिटी है, नई क्वांटिटी है जिसको हम मोमेंटम है, जो हमारी मोमेंटम है। एक ट्रक का मास बहुत बड़ा होता है, अगर उसमें छोटी वेलोसिटी है तो मोमेंटम बेसिकली ज्यादा है, तो बेसिकली मोमेंटम ज्यादा है तो इंपैक्ट भी ज्यादा होगा, तो इंपैक्ट भी ज्यादा होगा। एक इतना बड़ा पत्थर आप थोड़ा सा उसको लगा दो, थोड़ा सा मार दो, तो इंपैक्ट ज्यादा होगा क्योंकि मोमेंटम उसका ज्यादा है। अगर मास भी छोटा है और वेलोसिटी भी छोटी है तो इंपैक्ट कम होगा। एक चला रहा है, मच्छर चला रहा है 60 की स्पीड से, उससे आपसे सिर में टकरा के लग जाएगा, छेद हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि उसका मास भी बहुत कम है, वेलोसिटी, मास तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। एक मच्छर का मास कितना होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा, कम होगा बिल्कुल तो नहीं होगा भाई, ऑब्जेक्ट है तो उसका मास तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन बहुत ही कम है, तो कितनी भी वेलोसिटी से आए हमें ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर कुछ अमाउंट ऑफ मास थोड़ा सा बढ़ा दें, अगर जो बुलेट होती है, आप जो छर्रा निकलता है बंदूक
कि जो गोली का हाथ से कितने भी मार लें आपको अंदर तक पियर्स नहीं करेगा, अंदर नहीं जाएगा, जब तक कि उसकी वेलोसिटी बुलेट से 200 या 200 के ऊपर ना हो, तब वो पियर्स करती है आपकी बॉडी में, तब वो मतलब आपके बॉडी को फाड़ कर अंदर घुस जाती है। एक एक पत्थर को मार दीजिए आप लकड़ी के कार्डबोर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है, पत्थर को मार दीजिए उसमें हार्डली इट विल हैव सम कुछ उसमें खराब हो जाए, कुछ खराब नहीं होगा। अगर बुलेट मार देंगे उसमें छोटा सा पत्थर को, जो छर्रा होता है बुलेट में बंदूक में जो छर्रा होता है उससे, और पत्थर से कम मास का होता है वो, जो पत्थर आपने ले रखा था यहां पे काफी भारी मास था उसका, और उसको आपने हिट किया एक वुडन कार्डबोर्ड में, तो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं आएगा वुडन कार्डबोर्ड। अगर एक उससे भी कम मास का वजन का एक जो छर्रा होता है उसको हाई वेलोसिटी से अगर आपने ट्रिगर कर दिया तो वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा वुडन कार्डबोर्ड। तो जो मास और वेलोसिटी दोनों अगर बहुत ज्यादा हैं, दोनों अगर बहुत ज्यादा हैं तो मोमेंटम भी बहुत ज्यादा हो, इनमें से एक बहुत ज्यादा है तब भी मोमेंटम ज्यादा होगा, इनमें से कोई भी एक भी बहुत ज्यादा है तब भी मोमेंटम ज्यादा होगा, दोनों एवरेज हैं तब भी मोमेंटम ज्यादा होगा, दोनों ही कम है मोमेंटम कम होगा। ठीक है, जैसे जैसे कि आपने एक 100 किलो का पत्थर फेंका 1 मीटर पर सेकंड से, तो मोमेंटम ज्यादा है तो इंपैक्ट भी ज्यादा होगा, तो इंपैक्ट भी ज्यादा होगा 100 into 1, ये 100 मोमेंटम आ गया। अभी 100 मोमेंटम कैसे कैसे हो सकता है, 50 किलो का मास ले ले और 2 मीटर पर सेकंड से चला दे तब भी 100 ही आएगा, और कैसे हो सकता है 25 ले ले और 4 मीटर पर सेकंड से चला दे तब भी 100 आएगा, भाई 25 किलो का मास ले ले और 4 मीटर पर सेकंड से चला दे तब भी 100 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर ट्रक एक 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है वो आपको हिट कर दे तो आप जाएंगे ऊपर, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी चाहे कम है लेकिन वो जाएगा। अगर एक साइकिल है 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है और आपको हिट कर देगी क्योंकि उसका मास बहुत, मास इतना ज्यादा है नहीं, तो इंपैक्ट होगा आपको लगेगा लेकिन इतना नहीं लगेगा कि आप चले ही जाएंगे। सो बोथ मास एंड वेलोसिटी प्रोटेक्ट यहां पर एक ऐसी क्वांटिटी है जो अलग अलग एक्सपीरियंस हमें देती है। अगर मास और वेलोसिटी दोनों ज्यादा है तो मोमेंटम सर्टेनली विल बी वेरी हाई, तो उस समय इंपैक्ट भी बहुत तगड़ा होगा, इंपैक्ट भी बहुत तगड़ा होगा और इंपल्स भी बहुत तगड़ा होगा। अगर दोनों कम है तो आपको इंपैक्ट भी कम होगा और इंपल्स भी कम होगा। सो दिस इज अबाउट मोमेंटम। इस वजह से लोगों फिजिसिस्ट ने मोमेंटम को डिफाइन किया, क्योंकि जो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट वो एक अलग तरीके से इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। एक बॉडी है, ट्रक रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, ट्रक रखा हुआ कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी नहीं है ना उसमें, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ट्रक थोड़ा सा भी चल दिया ना और हम आगे आ गए तो नुकसान तो गारंटेड है, क्योंकि मास उसका बहुत ज्यादा है, थोड़ी वेलोसिटी में भी मोमेंटम बहुत ज्यादा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और एक यहां पे आप देखो मास बहुत ज्यादा है और वेलोसिटी थोड़ी आई है। अभी दूसरा केस डिस्कस करें आप बुलेट को, उसमें जो छर्रा होता है वो बहुत, मास उसका बहुत कम होता है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तब भी तो वो हमारे सिर को भेजे जो को आगे चली जाती है। तो देखो अगर इनमें से मास और वेलोसिटी में एक बहुत ज्यादा है तो इंपैक्ट गारंटेड ज्यादा होगा। तो इस वजह से हमने इसको नए तरीके से डिफाइन किया, किसको, मोमेंटम को, एक नई क्वांटिटी फिजिस्ट ने सोची, दैट इज मोमेंटम। आप सिंपल सा एग्जांपल ले लें, एक केजी का ब्लॉक ले लें, क्या ले लें, 1 केजी का ब्लॉक ले लें, यहां से फेंकें आप उसको सैंड में, तो यहां से वो नीचे जाएगा और सैंड में घप जाएगा। अब आप ले लें 4 किलो का वही ब्लॉक, आप उसमें और काफी 4 किलो का ब्लॉक ले लें, अब सैंड में फेंके तो अब वो ज्यादा नीचे तक धंस जाएगा। अब वो क्या कर देगा, ज्यादा नीचे तक धस जाएगा सैंड में,
क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। अगर मास ज्यादा होगा और एक और ऐसे केस में ले, 4 किलो का ही लेके ऐसे फेंक दे बिल्कुल पूरी ताकत से, तो समय वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, मास भी ज्यादा, मास तो है ही, तो और ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट हो जाएगा, यानी वेलोसिटी बढ़ाने से पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा, या मास बढ़ाने से पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा, किस पर? सैंड पर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। सो इस वजह से फिजिस्ट ने एक नई क्वांटिटी को बताया, दैट इज मोमेंटम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, वो अभी नहीं पढ़ना है। अब हम ड्राइव करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द थ्योरी ऑफ मोमेंटम। एक मिनट, लेट आई हैव सम वाटर। Now it's okay. तो न्यूटन के एफ इज इक्वल टू एम ए प्रूव करते हैं मोमेंटम के केस में। न्यूटन का सेकेंड लॉ हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, ये न्यूटन का स्टेटमेंट है। क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द force applied on the body, and the direction of momentum is same as the direction of force. जिस direction में momentum हो रहा है उसी direction में force apply किया गया है। So क्या कह रहा है? Rate of change of momentum, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम क्या था, P1 था, और थोड़ी देर बाद उसका मोमेंटम क्या हो गया, P2 था, P2 हो गया। एक बॉडी है मास m की, वो इनिशियल वेलोसिटी u थी, उसमें कुछ फोर्स लगा तो उस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। ये था T1 टाइम में, ये हो गया T2 टाइम में, कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई। इनिशियल वेलोसिटी u थी, फोर्स लगा उसमें वेलोसिटी v हो गई, है ना। मोमेंटम P2 से अगर हम डिनोट करें तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, बताओ। चेंज इन मोमेंटम अभी भी निकाला था मैंने, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी हम क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल टी, और यहां पर आ जाएगा एम वी माइनस एम यू, ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम यहां से हम एम कॉमन निकाल लें, वी माइनस यू। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कह रहा है, रेट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम टर्म वो कैसे डिफाइन होगा, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम तो आपको पता है डेल पी, तो यहां पे डेल टी होगा, चेंज इन टाइम, भाई टाइम के हिसाब से मोमेंटम का चेंज भी देखना है। रेट ऑफ चेंज किसके हिसाब से, यहां पे रेट पैसों का रेट नहीं है, यहां पे रेट किसका है, टाइम के हिसाब से रेट है, तो डेल पी बाई डेल टी, यू विल गेट इट एम, डेल पी की वैल्यू यहां से आप उठाइए, एम वी माइनस यू, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, T2 माइनस T1, ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी, यह आ जाएगा आप यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम और वी माइनस यू, और ये टी, ये यहां से आपके पास क्या जाएगा, वी माइनस यू
बाई टी टू माइनस टी वन, ये तो एक्सेलरेशन है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है कि नहीं है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तो एक्सेलरेशन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा आपके पास, एन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ जाएगा आपके पास, एन। तो यहां से आप लिख पाएंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल पी बाई डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, ये न्यूटन का स्टेटमेंट था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को आप यहां से उठा के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम v माइनस यू बाई चेंज इन मोमेंटम, तो इससे डिनोट किया जाता है, और टी टू माइनस टी वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, m into a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई, रिमूविंग द साइन ऑफ कॉन्स्टेंट, रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यू हैव टू अप्लाई ए कॉन्स्टेंट, m into a इज इक्वल टू k into f। अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं, अगर इसको के डैश मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको उल्टा लेके आते हैं, के डैश इंटू एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ यानी यहां से क्या जाएगा आपके पास, एम इंटू ए बाई के डैश, एफ इज इक्वल टू वन बाई के डैश को हम क्या मान लेते हैं, के, वन बाई के डैश को हम क्या मान लेते हैं, भाई ये कॉन्स्टेंट है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, के। तो आपके पास क्या जाएगा, के इंटू एम ए, और अगर के की वैल्यू वन है, हमने बताया था वन न्यूटन इज द फोर्स विच ब्रिंग्स एन एक्सेलरेशन ऑफ वन मीटर पर सेकेंड टू ए बॉडी ऑफ वन के जी, तो के की वैल्यू आपके पास क्या जाएगी, वन, सो एफ इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए। दिस वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई। तो यहां से चेंज इन मोमेंटम और रेट, तो रेट टाइम का रेट, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई। तो हमने चेंज इन मोमेंटम और रेट टी टू माइनस टी वन, अगर शुरुआत में टाइम स्टॉप वॉच है जीरो है तो यहाँ पे सिंपल टी आ जाएगा, वी माइनस यू बाई टी, यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा, आपने पहली इक्वेशन में देखा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से वी माइनस यू बाई t is equal to acceleration, अगर शुरुआत में टाइम जीरो है तो यहाँ पे आपको सिंपल ये t क्या है, टाइम इंटरवल जिसमें ये वेलोसिटी चेंज हुई है, अगर ये t2 minus t1 ये t है तो यहाँ से v minus u by t आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, acceleration हो जाएगा। अगर ये t2 minus t1 ये क्या है, टाइम इंटरवल है, यहाँ पे सिर्फ टाइम इंटरवल अगर आप रखें तो v minus u by t is equal to acceleration, तो यहाँ पे acceleration लिख दो, मास इनटू एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई, मास इनटू एक्सेलरेशन इज, मैंने साइन को हटाया है तो के को कांस्टेंट, के डैश हमने कांस्टेंट यहां पे डाला है, और इसको रिवर्स कर देंगे हम, इसको रिवर्स कर दिया हमने, तो के डैश इनटू एफ इज इक्वल टू एन टू ए। अब हमने के को नीचे ले गए हैं, 1 बाय के डैश को हमने एक नया कांस्टेंट दे दें के, तो एफ इज इक्वल टू के डॉट एम डॉट ए, सो फोर्स इज इक्वल टू एम ए आपके पास आ जाएगा फ्रॉम rate of change of momentum. So this is the Newton's second law of motion, derivation of Newton's second law of motion from linear momentum. और एक केस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, it is the product of mass and acceleration. और किस तरीके से mass पर directly proportional है और directly proportional acceleration पर है. अब हम numerical अगली class में करेंगे. So thank you, have a good day. आपको linear momentum आज मैंने पढ़ाया, second law of motion पढ़ाया, दोनों तरीके से आपको डिराइव कराया मैंने, मोमेंटम चेंज ऑफ मोमेंटम के हिसाब से, और मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।